दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका फेसबुक अकाउंट कौन कौन से डिवाइस पर लॉगिन किया हुआ है या फिर आप उससे लॉग आउट करना चाहते हैं? ये सारी चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिव्यास माझी और आप देख रहे हैं बिबूज वर्ल्ड। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका फेसबुक अकाउंट कौन कौन से डिवाइस पे लॉगिन किया गया है, इसे कैसे पता कर सकते हैं, साथ ही अगर लॉगिन किया गया है तो आप उसे कैसे लॉग आउट कर सकते हैं अपने ही फ़ोन से। तो ये सारी चीज़ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पर फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन होने के बाद आपको टॉप में राइट साइड में जो थ्री लाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। इस पर क्लिक कीजिए। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आने के बाद पहला जो ऑप्शन है सेटिंग्स, इस पर क्लिक कीजिए। सेटिंग्स में आने के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। तो इस पर क्लिक कीजिए। सिक्योरिटी एंड लॉगिन में आने के बाद अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वेयर यू आर लॉग्ड इन। उसके साइड में सी ऑल है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सारा लिस्ट मिल जाएगा जिस डिवाइस पर आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो दो डिवाइस पर लॉगिन किया गया है, तो दोनों का लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर आपको लोकेशन भी साथ में डिस्प्ले होता है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई डिवाइस पे जिसमें लॉगिन किया हुआ है वो आपने नहीं किया है तो आप उसमें लॉग आउट भी कर सकते हैं। कैसे करना है, अगर आप सारे डिवाइस पर लॉग आउट करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक बटन मिल जाएगा, लॉग आउट ऑफ ऑल सेशन, तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। या फिर किसी पर्टिकुलर डिवाइस पर अगर लॉग आउट करना है तो आप उसके साइड में जो थ्री डॉट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉग आउट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस लॉग आउट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो उस डिवाइस पर आपका फेसबुक अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। उसके लिए उसका जो डिवाइस है वो आपके पास नहीं होने से भी चलेगा, आप अपने फ़ोन से ही उसे लॉग आउट कर सकते हैं। और एक यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है जिसके साइड में आपको थ्री डॉट नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला जो लॉगिन है ये मेरे ही डिवाइस पे लॉगिन किया हुआ है जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इस नेम के साइड में आपको थ्री डॉट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका फेसबुक अकाउंट कौन कौन से डिवाइस पे लॉगिन किया हुआ है या फिर उसका लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ पता लगा सकते हैं इस प्रोसेस से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि इसका यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका फेसबुक अकाउंट किसने अपने फ़ोन पे लॉगिन करके रखा है, या फिर अगर हो सकता है कि आपका फेसबुक अकाउंट को किसी ने लॉगिन किया है आपको बिना बोले, तब भी आप पता लगा सकते हैं और साथ ही आप उसे लॉग आउट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।